अश्वत्थामा मारा गया, ज्ञात नहीं नर या हाथी। ये एक वाक्य किसने कहा? साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर। वो युधिष्ठिर जिसने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं कहा, किंतु उससे कुछ ऐसे चयन हुए हैं जिस कारण से वो मात्र महाराज युधिष्ठिर बनकर ही रह गए, कभी अभिमन्यु तक पहुंच नहीं पाए। जब द्यूत के लिए न्योता आया था तब उसे अस्वीकार कर सकते थे महाराज युधिष्ठिर, या नहीं? अभिमान के लिए उस न्योते को स्वीकार किया और अभिमान के लिए किया गया यही चयन उन्हें साधारण बना गया। अपने गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए उन्होंने एक असत्य कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और फिर ग्लानि से धीमे स्वर में कहा, ज्ञात नहीं नर यहाँ थे। किंतु अर्ध सत्य हो या छिपाया हुआ सत्य, वो असत्य ही होता है और हर कर्म का फल मिलकर ही रहता है। इन चयनों के कारण युधिष्ठिर को भी नर का वास करना पड़ा। तो अपने ये कर्म श्रेष्ठ रखिए, क्योंकि यही निर्धारित करेंगे कि संसार से जाने के पश्चात भी आप जीवित रहेंगे या नहीं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।